नमस्कार, स्टार स्टेल में आपका स्वागत है। 4 अक्टूबर 2020 को दो 2020 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच शारजाह में मुंबई और हैदराबाद की टीम के बीच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच दुबई में पंजाब और चेन्नई की टीम के बीच शाम 7:30 बजे खेला जाना है। मैं पूर्व की भांति सभी श्रोताओं को बता दूं कि हमारे पास खिलाड़ियों की जन्मतिथि किसी सोर्स से ली गई है, जो कि सही है या फिर नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन प्रश्न कुंडली के साथ तालमेल बिठाकर हम अपना पूर्वानुमान आपके समक्ष रख रहे हैं और यह अनुमान 100% सही होगा इसका हम दावा नहीं करते। पहला मैच शुरू होने के समय कुंडली में मकर लग्न होगा और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार रहेगी। लग्नेश लग्न भाव में और चंद्रमा चतुर्थ भाव में होंगे। ग्रहों का समर्थन हैदराबाद की टीम के पक्ष में दिख रहा है। यदि दोनों टीमों के मुख्य खिलाड़ियों की कुंडली का अध्ययन करें तो भी हैदराबाद आज मजबूत स्थिति में दिख रही है। ठीक ठाक स्कोर के बीच मैच जल्दी से एक तरफा तो नहीं होगा, लेकिन खिलाड़ी बार बार गलतियों को दोहरा सकते हैं, इससे भी मैच रोचक होता चला जाएगा। लेकिन अंत तो गत्वा इस रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद की टीम को विजयश्री मिल सकती है। वहीं दूसरे मैच के शुरू होने के समय कुंडली में मेष लग्न होगा और ग्रहों की स्थिति मजबूत दिख रही है। दोनों टीमों को ग्रहों का समर्थन बराबर मिलता दिख रहा है। ये मैच भी इस श्रृंखला का यादगार मैच हो सकता है। कड़े मुकाबले के बीच उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिलेंगे और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि जीतना एक ही टीम को होता है, तो आखिरी दौर में इस रोचक मैच के परिणाम पंजाब की टीम के खिलाड़ी अपने पक्ष में करने में कामयाब हो सकते हैं। ये था 4 अक्टूबर 2020 को खेले जाने वाले मैचों का पूर्वानुमान। हम जल्दी ही एक नए मैच का पूर्वानुमान लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, इससे आने वाले मैचों के पूर्वानुमान की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। नमस्कार।